वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम। उम्मीद है कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम। तो जैसा कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है थेवेनिन थ्योरम का कि ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स VTH। इट मींस अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको गिवन है और उसमें कोई भी वेरिंग क्वांटिटी अगर आपका क्या है लोड है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है कि केवल क्या है आपका वेरिंग क्वांटिटी लोड में ही क्या हो रही है वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही है, तो आपको इस पूरे सर्किट की बार बार एनालिसिस करने से बचने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा इस पूरे सर्किट का लोड को रिमेनिंग हटा के पूरे सर्किट का हमको क्या बनाना होगा एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होगा और वो जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा उसमें हमें इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज और इसी टर्मिनल के अक्रॉस का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो रिमेनिंग आपका जो सर्किट है उसकी बार बार एनालिसिस से हम क्या हो जाएंगे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो इसीलिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट हुई थेवेनिन थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट हुई। और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो रहती है वो सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है, वैसे ही थेवेनिन थ्योरम भी ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर सर्किट। ये भी किसके लिए केवल एप्लीकेबल है लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू को शॉर्ट करने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को हटा के बाकी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं और जैसे जैसे लोड हमारा वेरी करता जाता है हम इसमें लोड करंट की वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसकी एनालिसिस कर पाते हैं। तो उसी पूरे जो टर्म्स है उसको हमने इसके डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट। कैसा सर्किट है ये टू टर्मिनल जिसके दो टर्मिनल्स क्या है ए एंड बी कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। इस पूरे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्लेस करना है किसके फॉर्म में रिप्लेस करना है कैसा इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होगा एक वोल्टेज सोर्स होगा और उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहेंगे ओपन वोल्टेज सोर्स या फिर आप इसी को VTH का भी नाम दे सकते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको VOC भी लिखा मिल सकता है और नहीं तो VTH का हम उसने यूज किया होगा वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी या फिर इसी को हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज विद। अब इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा आपका RTH, मतलब आपका इस पूरे सर्किट का टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका किसका अक्रॉस किसके साथ करना है आपको सीरीज में कनेक्ट उसके वोल्टेज के अक्रॉस वेयर VTS इज द ओपन सर्किट वोल्टेज और जहां पर VTS क्या है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है एट द टर्मिनल एंड RTS द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस at the terminal when the independent source are turned off। तो जब भी आप RTH की value find out करेंगे तो इसमें जितने भी independent source होंगे उनको आपको क्या करना होगा deactivate करना होगा। तो हम इसके step देखते हैं कि कैसे हम किसी electrical circuit को reduce करके हम उसका VTH और RTH find out करते हैं। तो हम one by one देखते हैं कि कैसे हम Thevenin theorem को solve करते हैं। तो आपके पास कौन सा सर्किट गिवन है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है जो मैंने इधर बनाया हुआ है। अब इस टर्मिनल या इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमको VTH ड्रॉ करना है या VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप वन remove the load
ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जिसको आप आर एल से डिनोट करें। तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका लोड रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा है। तो सबसे पहले आप उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो आपके पास जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस टाइप से सर्किट बचेगा, जिसमें दो टर्मिनल कैसे रहेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब आपको इसका फाइंड आउट करनी है टू चीजें, या टू आपको वैल्यूज निकालनी है, एक डीटीएच की वैल्यू निकालनी है और दूसरी आरटीएच की। तो सबसे पहले हम स्टेप टू में क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। तो अब हम यहां पर VTH की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए। तो VTH क्या है, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हमको इसमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो I इज इक्वल्स, मान लीजिए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। तो इस करंट I की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन R इक्विवेलेंट। यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, V इज इक्वल्स टू I इनटू R फॉर ओम्स लॉ, एंड I की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब यहां पे E की वैल्यू तो E ही है, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहां पर जब आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा करंट तीनों ही रेजिस्टेंस में सेम फ्लो हो रहा है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सभी को आप क्या कर देंगे, एड कर देंगे। सो R1 प्लस R2 प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सो I इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो हमको इस वोल्टेज, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं VTH, या इसी को आप बोल सकते हो VOC, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। इसकी वैल्यू क्या होगी, I इनटू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। और I की वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। तो ये हमारी वैल्यू हो गई VTH। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ये हमारी वैल्यू हो गई VTH E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। तो यहां तक आपको समझ आया, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, जो भी वहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको रिमूव करना है। सेकंड में फाइंड आउट द वोल्टेज VTH अक्रॉस द ओपन टर्मिनल ए एंड बी। तो इस ओपन टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज की वैल्यू। तो आपने इस तरीके से वोल्टेज फाइंड आउट करना। अब हमको थर्ड स्टेप, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्टली VTH इज इक्वल्स टू E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे निकाला ये हमने शो कर दिया है, इनटू R3। तो ये हमारे VTH की वैल्यू। अब थर्ड स्टेप हमको करना है, स्टेप थ्री फाइंड द
वैल्यू ऑफ आरटीएच। तो अब आपको आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन है कि आपको जब भी आरटीएच की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले जितने भी उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको क्या करना होगा, टर्न ऑफ करना होगा या उनको डीएक्टिवेट करना होगा। तो यहां पर आपको इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा दिख रहा है, ये बैटरी आपको एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है। और मैंने आपको कल सुपरपोजिशन थ्योरम्स पढ़ाते हुए बताया था कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट करना होता है, और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमको उसको ओपन करना। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरे आई बटन पे जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं और क्यों करंट सोर्स को हम ओपन टर्मिनल करते हैं। तो आरटीएच निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको शॉर्ट करना होगा। ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया आपका, शॉर्ट हो गया। अब आपको इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आपके पास जो डायग्राम हो गया आरटीएच, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, अब यहां पर अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं या थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो जब आप यहां से इस तरफ से देखेंगे इस पूरे सर्किट को, तो ये एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, और एक दूसरे के साथ कैसे है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहां से आप एक इमेजिनरी करंट को फ्लो करें, जैसे ही ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यही करंट आपका आर वन और आर टू में सेम करंट फ्लो होगा और आर थ्री में डिफरेंट करंट फ्लो होगा। और मैंने आपको बताया जहां पे भी करंट डिवाइड होता है वे दोनों ही जो लाइन्स होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, पैरेलल में होती है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि आर वन और R2 एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में, लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R3 के साथ क्या है, पैरेलल में नहीं। तो इस तरीके से आप RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, दो अगर रेजिस्टेंस आपके एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 की जगह यहां पे क्या गिवन है, R1 प्लस R2, वैल्यू पुट कर देंगे R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी RTH की वैल्यू और ये थी आपकी VTH की वैल्यू। अब आपके पास RTH भी आ गया और VTH भी आ गया, अब इसको हमको किस में लिखना है, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि इस पूरे सर्किट का टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस हम कैसे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक वीटीएच की और दूसरा आरटीएच की। और कोई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको वीटीएच या ओपन सर्किट टर्मिनल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका कैसे बनेगा इक्विवेलेंट डायग्राम, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी हो गई, और उसके साथ ये रेजिस्टेंस जिसको हम आरटीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा जो सर्किट है वो आपका वीटीएच और ये आरटीएच के फॉर्म में चेंज हो गया, इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो स्टेप फोर में आपको क्या करना है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो स्टेप फोर में क्या हो जाएगा, ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। ये आपने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ किया। अब स्टेप फाइव में आपको, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप फाइव में आपने जो रेजिस्टेंस को रिमूव किया था यहां पर हम उस रेजिस्टेंस को फिर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर आपने जो रेजिस्टेंस रिमूव किया था आर एल,
उसको फिर से क्या कर दिया, रीजॉइन कर दिया। अब ये आपके पास एक क्या बन गया, क्लोज सर्किट बन गया। अब आप आसानी से इसमें लोड करंट की वैल्यू, IL की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास स्टेप 4-5 में, स्टेप 5 फाइंड दी लोड करंट वैल्यू। तो लोड करंट की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी यहां से, IL इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना कनेक्ट है, VTH अपॉन, यहां पर ये दोनों कैसे कनेक्ट है, RTH और RL एक दूसरे के साथ सीरीज में, और सीरीज में आपको पता है कि दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL। तो IL की वैल्यू आपके पास हो जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इस तरीके से आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी थेवेनिन थ्योरम के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने। तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL, स्टेप 2 फाइंड द VTH वैल्यू। अब ये दोनों आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टेप 2 में VTH की वैल्यू फाइंड आउट करें या स्टेप 3 में VTH की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहां हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली है, VTH की वैल्यू। तो स्टेप 2 आपका क्या होगा, फाइंड दी VTH या थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस दी ओपन टर्मिनल ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका फाइंड दी वैल्यू ऑफ RTH। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट हैं उन सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को पहले आपको क्या करना होगा, डीएक्टिवेट करना होगा। क्यों डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जो भी आपका सोर्स कनेक्ट है उसका खुद का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जितने भी सोर्स कनेक्ट हैं वो सब किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में, और आइडियल कंडीशन में आपके पास वोल्टेज की वैल्यू में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और ओपन करंट सोर्स की वैल्यू में क्या होता है वहां पर, इनफाइनाइट। तो इसीलिए आपने जितना भी रेजिस्टेंस है या ये इतने भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उनको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, और जो भी करंट सोर्स कनेक्ट होगा उसको आप क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। तो आइडियल कंडीशन के लिए या फिर वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए उसको हमको शॉर्ट करना होगा, और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए उसको हमको ओपन सर्किट। तो यहां पर आपने इन सब, यहां पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट था तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। अब यहां पे सिर्फ आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख रही है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट या RTH। तो इस RTH की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड आउट की। अब आपके पास VTH की भी वैल्यू आ गई, RTH की भी वैल्यू आ गई, इससे हम ड्रॉ कर लेंगे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या होगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। और एक बार आपने इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो फिर आप आसानी से लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को थेवेनिन थ्योरम के माध्यम से सॉल्व कर सकते। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।